हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के सरवरी स्थित नवचेतना संस्थान के विशेष बच्चे इन दिनों रक्षाबंधन त्यौहार के लिए राखियां बनाने में जुटे हुए हैं। यह संस्थान चारू फाउंडेशन की मदद से चलाया जा रहा है। संस्थान का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष बच्चों द्वारा तैयार स्वदेशी राखियां जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगी और इस पहल से आत्मनिर्भर भारत के नारे को भी बल मिलेगा। इन विशेष बच्चों द्वारा काफी आकर्षक राखियां तैयार की जा रही हैं और इनकी कीमत बाजार में मिलने वाली अन्य राखियों की अपेक्षा काफी कम है। विशेष बच्चे राखियां तैयार कर बेहद खुश हैं। मैं यहां पर राखियां और दिए वगैरह तैयार करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। टीचर वगैरह ने सिखाया है और मुझे इसको बनाना बहुत अच्छा लगता है। चारू फाउंडेशन के ट्रस्टी मनदीप सिंह के अनुसार संस्थान में विशेष बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। इन बच्चों द्वारा राखियों के अलावा दीपावली के लिए मोमबत्तियां और दिए भी तैयार किए जाते हैं। चारू फाउंडेशन का जो मेन मोटिव था, जो यहां पर जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, मेन मोटिव हमारा वही रहा। और उसी मोटिव से इन बच्चों को हमने रखड़ी बनाना सिखाया है। और दिवाली के नज़दीक इनको हम कैंडल और दिए बनाने सिखाते हैं और काफ़ी अच्छे और फैंसी कैंडल और दिए बनाते हैं। अभी हाल ही में इनको अभी लिफाफे का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ में जैसे खड्डी का काम भी इनको सिखाया जा रहा है, सिलाई का भी टेलरिंग के माध्यम से भी इनको टेलरिंग का काम भी इनको सिखाया जाएगा। तीन चार साल से जो बच्चे हैं हमारे स्पेशल बच्चे जो हैं नवचेतना और चारू फाउंडेशन के, वो यहाँ पे इन वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इसमें हम बच्चों को राखी बनाना, मोमबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना, खड्डी का काम भी इस बार हम इनको बच्चों को सिखाना शुरू कर रहे हैं मतलब, और सिलाई का काम भी हम सिखाने जा रहे हैं। काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ हम चाहते हैं कि बच्चों को हम प्रोवाइड करवाएं। राखियां तैयार होने के बाद संस्थान द्वारा इन्हें बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। कई अन्य संस्थाएं भी इन विशेष बच्चों की मदद कर रही हैं। कुल मिलाकर विशेष बच्चों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का यह प्रयास सराहनीय है। डीडी न्यूज़ के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।